दोस्तों, वेलकम टू जीके क्विज बकर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 15 मार्च के करंट अफेयर्स। दोस्तों, इससे देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ में। अभी हाल ही में मयूर गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया, यह गुड़ किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, एक गुड़ को GI टैग प्रदान किया है, उसका नाम है मयूर। तो इसका जो संबंध है राज का, वो केरल में, केरल को GI टैग मिला है मयूर गुड के लिए, ठीक है। मयूर गुड को GI टैग मिला है, ठीक है, यहाँ देखिए केरल से। चलिए नेक्स्ट है, इसके अब फैक्ट पढ़ते हैं हम कि केरल में इंडुक्की जिले में मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। मयूर गुड़ का निर्माण पारंपरिक विधि द्वारा किया जाता है। वर्तमान में किसानों को मयूर गुड़ के लिए प्रति किलो 45 से 47 का दाम मिलता था, परंतु इसकी अपेक्षित कीमत 800 के प्रति किलोग्राम है। कई क्षेत्रों में मयूर किस्म की नस्ल नकली गुड़ भी बने पैमाने पर बेची जाती थी, जिसके कारण वास्तविक मयूर गुड़ की कीमत भी कम ही रही जाती है। मयूर गुड़ को GI टैग मिलने के बाद उपभोक्ताओं को वास्तविक मयूर गुड़ मिलेगी और किसानों को इसका अच्छा दाम भी मिलेगा दोस्तों। और जो अपना GI टैग का जो फुल फॉर्म है, वो है विशिष्ट भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? दोस्तों, वो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इनको मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इनके लिए कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो कौन थे? WHO कार्यक्रम की महानिदेशक के रूप में कार्य कर रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले कौन से WHO के महानिदेशक के रूप में वो कार्य कर रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन में किस IIT के छात्र के ने नकली नोटों को पहचानने के लिए समाधान विकसित किया है? तो वह IIT खड़गपुर, ठीक है दोस्तों, याद रखिए IIT खड़गपुर के छात्र ने नकली नोटों को पहचानने के लिए समाधान विकसित किया है। इसके लिए 6 सदस्य दल ने इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का विकास किया है। इस एप्लीकेशन को स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया जाता है। उपभोक्ता करेंसी नोट का चित्र मोबाइल ऐप पर अपलोड करके पता कर सकते हैं कि असली है या नकली। यह ऐप 25 फीचर्स का अवलोकन करके नोट की प्रामाणिकता निश्चित करेगी। इस ऐप का विकास करने वाले 6 छात्र है TYYS संतोष, सतीश कुमार रेड्डी, विपुल तोमर, साई कृष्णा, दृष्टि तुलसी और DV साई सूर्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल गोल्डन सिटी टेलगेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 में किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो वो है TV सिनेमा स्पॉट। भारतीय सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। भारत को यह पुरस्कार TV सिनेमा स्पॉट श्रेणी में दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने के अधीन अतुल्य भारत 2.0 अभियान के तहत प्रचार के लिए बनाए गए विज्ञापनों को पुरस्कार दिए गए। अतुल्य भारत 2.0 के पुरस्कार जीतने वाले विज्ञापन, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर वुमन पुस्तक के लेखक शीर्षो बंदोपाध्याय है। शीर्षो बंदोपाध्याय एक बंगाली उपन्यासकार है। इस पुरस्कार का बंगाली से अनुवाद अरुणावा सिन्हा द्वारा किया गया है, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बंगाली अनुवाद किसने किया? अरुणावा सिन्हा। यह उपन्यास 1880 के दशक में कलकत्ता में आधारित है। नेक्स्ट है 2019 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किसने जीता? तो वो जीता है आराता इसोजाकी ने। यह जापानी आर्किटेक्ट आराता इसोजाकी ने प्रिट्जकर प्राइज 2019 जीता। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले 46 व्यक्ति तथा 8वें जापानी आर्किटेक्ट हैं। इन्हें $1,00,000 की इनामी राशि तथा एक कांस्य पदक भी प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान फ्रांस के शेटो डी वेल्सल्स ने मई में प्रदान किया जाएगा, ठीक है, वेल्सल्स में मई में प्रदान किया जाएगा इनको।
ठीक है, फ्रांस के शेटो डी वेलेस को मई में प्रदान किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च को भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2019 में खुदरा मुद्रा स्फीति का दर क्या था, ठीक है, 12 मार्च, तो वो है दोस्तों 2.57%, कितना था 2.57%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2018-19 के चौथे संस्करण के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 तक संख्या में 37220 कारखानों तत्सहित सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो दोस्तों वो रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है वह आरबीआई के हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स के चौथे संस्करण के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 संख्या में 37220 कारखानों से सूची में राज्य प्रथम शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ द्वारा वार्षिक नेटिजन पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो ऑनलाइन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का समूह को दिया जाता है, मतलब एक समूह को दिया जाता है ये, ठीक है, जो इंटरनेट सुरक्षा में योगदान देते हैं, तो वो आपको बताना है किसे दिया गया, मतलब कि कौन सा ये एनजीओ देता है नेटिजन पुरस्कार, तो दोस्तों वो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो है ये देती है नेटिजन पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कब साइबर सेंसरशिप के खिलाफ दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, तो वो है 12 मार्च को, प्रत्येक वर्ष का साइबर सेंसरशिप के खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, जो कि 12 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भारत सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन या NRETP के लिए 250,000,000 डॉलर प्रदान करेगी, वो है एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है कि 14 मार्च को RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से कितनी मात्रा भारत प्रणाली में निवेश करेगी, तो वो करेगी दोस्तों 125,000 12,500 करोड़, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत सहित 20 देशों में अपना अप्रवासन सेवा कार्यालय बंद करने के लिए प्रारंभिक चर्चा में है, तो वो है अमेरिका। 20 देशों में अप्रवासन सेवा कार्यालय को इसने बंद कर दिया भारत के सहित, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर हमारे समाप्त हो चुके हैं, कल हम फिर वीडियो मिलेंगे आपके साथ करंट अफेयर के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और रात को 9 बजे हम लाइव क्लास पर आते हैं, तो उसे आप ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।